हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर, और देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करो, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास, दैट इज़ रियल नंबर। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो रियल नंबर में आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एन से स्टार्ट होता है, सो हम इसको n से डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन, ये सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर है गाइस? सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो पूरे नंबर होते हैं, जैसे लाइक नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सो जैसे सपोज करो कि एक गार्डन है, गार्डन में यहाँ पे 3 ट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे अंधेरी चल रही है, सो आधा ट्री यहाँ से टूट गया, तो आप लोग क्या कहोगे कि गार्डन में कितने ट्रीज रह गए? आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि 2.5 ट्रीज रह गए, ठीक है। आप फिर भी क्या बोलोगे कि गार्डन में कितने ट्रीज हैं? 3 ट्रीज हैं। क्लियर है गाइस? जैसे एक एग्जांपल और रहते हैं, सपोज करो एक मार्केट में दो बंदे जा रहे हैं और एक छोटा लड़का जा रहा है, सो आप क्या कहोगे कि 2.5 बंदे जा रहे हैं? नहीं बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे कि 3 बंदे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्केट में 3 पर्सन जा रहे हैं, सो आप ऐसा ही बोलोगे। क्लियर है? सो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो पूरे नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे कभी भी हम हाफ नहीं लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं। सो नेचुरल नंबर के बाद बात करते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। सो जब भी आप होल बोलते हो ना, तो होल जब आप बोलोगे तो आपका जो लिप्स हैं वो पूरे गोल हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे याद रहेगा, जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है गाइस? सो होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट करते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आई तो है, सो इसलिए हम आई से डिनोट करते हैं, लेकिन जेड से क्यों डिनोट करते हैं इसको? सो आप लोग ये याद रखना, एक ग्रीक वर्ड है जेहलन। जेहलन का मतलब होता है गिनना, काउंट करना। सो यहाँ से हम ये जेड लेते हैं, ठीक है। सो इंटीजर्स को हम आई और जेड के साथ डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। मीन्स टू से जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, सो ऑन, ये सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी इंटीजर्स में। क्लियर गाइस? सो आई और जे में क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, सो ऑन, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब उसके बाद करते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल जो रेशियो फॉर्म में होगा, ठीक है। सो रेशियो फॉर्म में कैसे होगा? जैसे पी अपॉन क्यू, सो यहाँ पे कंडीशन होगी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है गाइस? सो जो रेशियो फॉर्म में होगा, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। सो ये सभी क्या होंगी वैल्यूज़? रैशनल नंबर हम बोलेंगे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, सो इनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। सो अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? जैसे -2 है, -2 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। -2 को -2/1 भी तो लिख सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं। क्लियर है गाइस?
जैसे होल होल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, फिर भी तो वो जीरो ही रहेगा, वो कौन सा चेंज हो रहा है। सो इसलिए हम होल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सिमिलरली नेचुरल नंबर को क्या हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? सो टू है, टू को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। टू को 2/1 लिख सकते हैं, फिर भी क्या हुआ, रेशियो फॉर्म में है ये और हम इसको लिख सकते हैं। सो रैशनल नेचुरल नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अभी हम इसका रिवर्स लेते हैं, क्या रैशनल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जैसे सपोज करो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर। क्या हम इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्लियर है? सो रैशनल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे 3/4 है, 3/4 का होल नंबर बोल सकते हैं? होल नंबर नहीं बोल सकते। क्लियर है गाइस? सिमिलरली रैशनल नंबर को हम इंटीजर्स भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। सो उसके बाद करते हैं हम इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, सो इरेशनल नंबर को बेसिकली कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, सो ऑन। ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है गाइस? सो अभी इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा माइंड में। अगर हम √2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.414325 सोन। ये अगर हम √2 को सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक मूव करता रहेगा ऐसी। इसलिए हम इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अभी पाई की वैल्यू ले लेते हैं, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3.14 2857 सोन, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक मूव करता रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम इरेशनल नंबर को अलग कैटेगरी में रखते हैं जो कभी भी सॉल्व नहीं होते और वो इन्फिनिटी तक ऐसे ही मूव करते जाएंगे, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे कि जैसा अभी हमने रैशनल नंबर किया था, रैशनल नंबर में कंडीशन थी कि पी अपॉन क्यू क्या होंगे, रेशियो फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी कंडीशन। सपोज करो अगर कि क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं कहूँ कि आप अपनी नोटबुक के ऊपर एक नंबर लिखो, दैट इज़ इन्फिनिटी, क्या आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। वो आपकी जो नोटबुक है वो पूरी भर जाएगी लेकिन वो नंबर ख़त्म नहीं होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटी बोलेंगे। इसलिए इन्फिनिटी जो नंबर है वो नॉट ए डिफाइंड फंक्शन है मैथमेटिक्स में। क्लियर है गाइस? आगे कुछ और टर्म्स इसकी करते हैं। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100। ये सभी क्या होंगे, इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, सो ऑन। ये सभी क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्लियर है गाइस? अभी प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएं, किसी और टेबल पे नहीं जाते, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, सो। क्लियर है? जैसे अभी मैं बोलूं कि 13 है, 13 को चेक करो, ये 2 के टेबल पे जाएगा, नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, नहीं जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, नहीं जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएगा, दैट इज 13 पे जाएगा। क्लियर है? वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएं। क्लियर है गाइस? यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, 2 इज ओनली इवन नंबर। 2 क्या है, यहाँ पे ओनली इवन नंबर है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और आप लोगों ने क्या याद रखना है, 1 to 50
एक से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, क्लियर है। 51 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, क्लियर है। सो ये डाटा आप लोगों ने याद रखना है। सो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे प्राइम नंबर? 25, क्लियर है गाइस। सो आगे करते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स में आते हैं उनको छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो सभी क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स में आते हैं। जैसे 2 इसमें है, 3 है, 4 इसमें नहीं है, सो 4 कॉम्पोजिट में आ जाएगा। 5 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें आ जाएगा। सो यहाँ पे 8 नहीं है, 9, 10, सो यहाँ पे आ जाएगा। 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें आ जाएगा। सो ये ऐसे मूव करते रहेंगे, इनको क्या बोलेंगे हम? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, क्लियर है गाइस। और वन लास्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, कौन सा? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, कोई भी दो नंबर्स हैं जिनमें से ओनली वन कॉमन आए, क्लियर है। दो नंबर्स हैं, या कह दो कि उनका एच सी एफ वन होना चाहिए, या कह दो कि उनमें से वन कॉमन आना चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन ही आ रहा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि वन कॉमन आ रहा है, सो जैसे 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, दोनों में क्या एक वन ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन ही आ रहा, सो ये क्या होंगे? कोप्राइम नंबर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 15 21 नंबर हैं, दो नंबर्स हैं, सो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, सो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, सो मैं ये नंबर कोप्राइम में नहीं इंक्लूड कर सकता, क्लियर है गाइस। कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये जो नंबर सिस्टम अभी मैंने यहाँ पे कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अभी एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करोगे, क्लियर है गाइस। जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, सो उनमें से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों ने इनको याद रखना है कि ये जो नंबर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम थ्योरम में, जो आपकी बुक में 1.1 क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्लियर है। सो इसमें क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, सो दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए एंड बी, और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, और वहाँ पे क्यू एंड आर वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे जो याद रखना है, आर की वैल्यूज होंगी वो कहाँ पे लाई करेंगी? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, क्लियर है गाइस। कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से लेके जो बी है, बी से लेस देन तक, ठीक है, बी से एक कम वैल्यू तक यहाँ पे आर की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। सो बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है, सो आपको ये पता होगा कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम डिवीजर बोलते हैं, और जो ये बाहर वाला पार्ट होता है इसको कोशेंट बोलते हैं, और जो नीचे बचता है इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर, क्लियर है गाइस। सो यहाँ से जो फार्मूला ड्राइव होता है वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सो ये फार्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इस फार्मूले को कंपेयर करो, डिविडेंड क्या है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू डिवीजर क्या है यहाँ पे? बी मल्टीप्लाई कोशेंट को इन्होंने क्या डाला है? क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू डाला हुआ है, प्लस आर को क्या डाला हुआ है यहाँ पे? आर रिमाइंडर, क्लियर है गाइस। बेसिकली ये आपकी जो थ्योरम है वो यहीं से डिराइव हुई है, क्लियर है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। सो यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो, ठीक है, सो B से एक कम होगी, ठीक है, लेस देन B होगी, जितना भी है। सपोज करो अगर B यहाँ पे 5 है, अगर B यहाँ पे 5 है, सो R की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4, सो 4 तक यहाँ पे R की वैल्यूज होंगी, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे आएगा। सो जैसे सपोज करो कि आपके एग्जाम्पल है जो लिखा हुआ है, जैसे 42 एंड 455 का हमने क्या सॉल्व करना है? एच सी एफ निकालना है, क्लियर है। सो हमने एच सी एफ निकालना है, सो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 42 455 से।
ठीक है। सो इसको डिवाइड करने का कंसेप्ट देख लो एक बार कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे और एच सी एफ को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे 42 को अगर 455 कितने पे जाएगा, 455 नहीं जाएगा। अगर 42 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 420 आएगा। क्लियर है। सो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो किस में चेंज होगा, डिवीज़र में चेंज होगा। क्लियर है गाइस। और जो यहाँ पे डिवीज़र है वो किस में चेंज होगा, वो डिविडेंड में चेंज होगा। क्लियर है। सो ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा। और जो ये यहाँ पे डिवीज़र था ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर है गाइस। अभी फिर इसको डिवाइड करो, 35 42 कितने पे, 1 पे जाएगा 35। सो यहाँ पे 35 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। अगेन वही कंसेप्ट, रिमाइंडर किस में चेंज होगा, यहाँ पे डिवीज़र में। सो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर किस में चेंज हो जाएगा, डिवीज़र में। और जो ये डिवीज़र था ये बाद में अभी किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड में चेंज हो जाएगा। सो ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा 35। सो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। सो यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र होगा लास्ट में, यही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा। क्लियर है गाइज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम यूक्लिड डिवीज़र लेमा के साथ कैसे हम एच सी एफ सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइज। सो अभी थ्योरम क्या थी, वो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड कितना था, 455 था, इज इक्वल टू, ठीक है, डिवीज़र, डिवीज़र कितना था, 42, और कोशेंट क्या था यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास, 35, ठीक है। सो यहाँ से चेक कर लो, 42 मल्टीप्लाई 10, 420, 420 प्लस 35, 455। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्लियर है। सो अभी फिर से हम चेक करेंगे आगे क्या है, डिविडेंड 42 है हमारा, 42 इज इक्वल टू डिवीज़र कितना है, 35, मल्टीप्लाई कोशेंट कितना आया था यहाँ पे, 1 आया था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस केस में, 7 आया था। क्लियर है गाइस। सो फिर से चेक करेंगे आगे, डिविडेंड कितना हमारा, 35 है, इज इक्वल टू यहाँ पे डिवीज़र कितना है, 7 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कोशेंट कितना आया था, 5, प्लस रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पे, 0। सो रिमाइंडर 0 आ गया। सो जो हमारा डिवीज़र होगा वही लास्ट में क्या होगा, एच सी एफ होगा। सो बहुत ईजी ट्रिक है ये, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सो जो सेकंड पार्ट है हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।